खेसारी लाल यादव ने राघवानी के साथ जो किया उसकी उम्मीद शायद काजल राघवानी को ही नहीं। पहले तो उनके बर्थडे पर खेसारी लाल यादव ने उन्हें विश किया और फिर जब खेसारी लाल यादव ने देखा कि काजल राघवानी ने उनके विश का कोई जवाब नहीं दिया तो वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि काजल राघवानी के बर्थडे के दिन भोजपुरी के तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस ने काजल राघवानी को दिल खोल कर बधाई दी और ऐसे में खेसारी ने भी सोचा चलो पुराने गिले शिकवे मिटा लेते हैं। लेकिन ये क्या, काजल राघवानी को इससे कोई फर्क नहीं। काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के विश का तो जवाब तक नहीं दिया। अब खेसारी के फैंस तमतमा गए। खेसारी के फैंस ने उनके कमेंट बॉक्स में ही, यानी कि खेसारी के कमेंट बॉक्स में ही खेसारी को भला बुरा कहने लगे। ऐसे में फैंस का रिएक्शन देख खेसारी लाल यादव ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। वैसे आपको बता दें खेसारी के अलावा पवन सिंह ने भी काजल राघवानी को बर्थडे विश किया था, लेकिन काजल राघवानी ने उन्हें रिटर्न बर्थडे की रिप्लाई भी नहीं की। लेकिन पवन सिंह ने उस पोस्ट को हटाना उचित नहीं समझा। लेकिन खेसारी ने ऐसा क्यों किया ये खेसारी ही जाने। लेकिन अब इसके बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता नज़र आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। यानी कि आप इस पोस्ट डिलीट से ही समझ जाइए कि काजल और खेसारी की जोड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। और ये जोड़ी टूटने के पीछे रीज़न यही बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव का बड़बोलापन और खेसारी लाल यादव का ये कमिटमेंट कि वो काजल राघवानी से प्यार करते हैं। जबकि काजल राघवानी का ये कहना है कि भाई जब तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं तो तुम मुझे कहाँ जगह और कहाँ स्थान देने वाले हो। ऐसे में काजल के साथ खेसारी और भी काम करना चाहते थे, लेकिन काजल राघवानी ने सिरे से इनकार कर दिया। आप क्या कहेंगे कि क्या हमारी भोजपुरी की अभिनेत्रियाँ अब बोल्ड और बिंदास होती जा रही हैं? भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।